सिटी से बोट्स पता करेंगे। तीन तरीके का सिस्टम है, एक बड़ी वाली हाउस बोट्स, एक शिकारा छोटी उसे छोटी बोट्स, और एक काइकिंग बोट्स। तो शिकारा का तो हम लोग शिकारा शायद राइड लेंगे, और हाउस बोट इसलिए नहीं ले रहे हैं, उसमें ओवरनाइट स्टे होता है, तो ओवरनाइट रुकने का कोई मूड नहीं है हाउस बोट में। शिकारा राइड थोड़ी बोट छोटी होती है, तो जो पतली कैनाल्स होती हैं वो उसमें भी चली जाती है। अभी बोट जटी की तरफ ही जा रहे हैं, हमें जॉस्टिल से ही एक कॉन्टैक्ट भी मिला है, जहाँ वहाँ पहुँच के उसको कॉल करेंगे तो शायद वो हमको बोट जटी से ही पिक कर लेगा। चार्जेस वगैरह थोड़ा सा रफ आइडिया लिया है, लेकिन वहाँ पे पहुँच के और नेगोशिएट करेंगे क्या बेस्ट हो सकता है। यहाँ पे कहीं भी जाने के लिए आपको ऑटो मिल जाएंगे, ऑटो से आना जाना आसान होता है। बसेस का कुछ अभी मैंने पता नहीं किया ज़्यादा, लेकिन ऑटो का मोटा मोटा जो किराया रहता है वो 20 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, जैसे मैंने पहले भी बताया था। आप किलोमीटर्स देख के करीब करीब उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना फेयर रहेगा, पर आसानी से मिल जाते हैं ऑटो। बैक वाटर्स ऑफ एलेपी, जर्नी अभी शुरू हुई है। ये है नज़ारा, चारों तरफ ये पेड़ हैं और बीच में ब्यूटीफुल लेक। ये वो लेक है जहाँ पे एक बोट रेस भी होती है, तो वो हमारे जो बोट चला रहे हैं उन्होंने बताया कि जहाँ पे भी हम जाएंगे पूरा दोनों तरफ राइस की खेती होती है। और वेट एक तरफ होने की वजह से बोट हिलने लग गई है। यहाँ से वेबिनार लेक भी जाएंगे, अभी काफ़ी फेमस लेक है वेबिनार, बहुत बड़ी लेक है। गोप्रो काम पे लगा हुआ है रिकॉर्डिंग वीडियोस। नाइस, ये शायद एक हाउस बोट है, काफ़ी बड़ी है। पार्टी चल रही है बोट के अंदर, वाओ। बड़ी लेक से निकलकर अब हम छोटी कैनाल्स में आ चुके हैं। कैनाल्स के दोनों तरफ गांव हैं छोटे छोटे, और आप जैसे पैदल रास्ता देख रहे हैं बिल्कुल कैनाल के साथ साथ में पेवमेंट्स हैं। लोग इन्हीं से जाना आना करते हैं अपने घरों तक, या फिर छोटी बोट्स यूज़ करते हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन भी था कि ये शिकारा बोट ना करने के बजाय हम लोग छोटी कायाकिंग बोट
भी बुक कर सकते थे। छोटी बोट में मोटराइज्ड बोट नहीं होती है, वो मोटर से चलने वाली, हाथ से ही उसको, हाथ पैडल से ही उसको आगे चलाया जाता है। वो थोड़ा धीमे चलती है इसके मुकाबले, लेकिन क्योंकि वो और छोटी होती है तो वो और छोटी कैनाल्स में भी जा सकती है। हर बोट का अपना एक रूट होता है, जितनी बड़ी बोट है वो उतना ही बड़े एरिया में ही जा सकती है, छोटी कैनाल्स में नहीं जा सकती। ये नज़ारा देख पाता है, ये तो एक्सपीरियंस करना बनता है, ये तो नहीं मिस होना चाहिए। केरला आए, एलेपी आइए। एलेपी में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना नहीं कुछ अभी तक देखा है करने के लिए, बीचेस हैं अच्छे हैं, लेकिन बैक वाटर्स की एक ये बोट राइड मस्ट। सनसेट तक चलेगी हमारी बोट राइड करीब 6:30 बजे तक शाम के, और आप चाहें तो सनराइज़ के टाइम पे भी कर सकते हैं, 6:30 से 10:30 बजे तक। वैसे ये बोट्स पर आर के हिसाब से बुक होती हैं, तो हमने इस बोट के लिए हर घंटे के 450 रुपये के हिसाब से पे किया। हमने 4 घंटे के लिए बोट बुक करी तो हमारा टोटल बिल हो गया 1800 रुपये। ये देखिए, ये है वो छोटी बोट जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, कि छोटी बोट काफ़ी पतली पतली कैनाल्स में चली जाती हैं, तो इसका भी एक अच्छा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी नज़ारे तो सब सही हैं, एक और दिखाता हूँ। पैसे खर्च करके बोट में सोने आया है ये ना। जो बोट चलाने वाले हैं उन्होंने अभी बताया कि कुछ साल पहले तक ये जो पानी है ये पीने लायक होता था, फ्रेश वाटर है ये, तो लोग इसे पी सकते थे, लेकिन अब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब इसको यूज़ नहीं किया जाता पीने में। ये बोट हाउसेस देखिए, अच्छे खासे बड़े बोट हाउस हैं, इसमें रहना के प्रॉपर कमरे बने हुए हैं, पूरे जनरेटर बॉक्सेस हैं, जनरेटर सिस्टम्स हैं, एसी वेसी लगे हुए हैं भाई, मतलब लग्जरी का पूरा इंतज़ाम कर रखा है, भरा पड़ा है पूरा पूरा लेक बोट हाउसेस। यहाँ भी हॉर्न बज रहा है यार, मतलब यहाँ भी नहीं छोड़ेगी। नफरत है मुझे हॉर्न से, यहाँ भी सुनने को मिली गया है ना, जहाँ देखो ची ची पी पी, सब्र नहीं है थोड़ा सा भी, एक भाई को भी जल्दी है, हर सब में इसकी बोट पानी में है, ये रुकेगी भी नहीं एकदम से ना, ब्रेक मारने से ही भी है। गजब है, ये है वेम्बनाड लेक,
जैसा आप देखें कि वहाँ उस तरफ वो पीछे पेड़ दिखते हैं, पूरा हर तरफ ये वेम्बनाट में एंटर हुई है बोट, थोड़ा लहरों का भी ऊपर नीचे होना तेज़ हो गया है। जब तक छोटी कैनाल्स में थे हम, तब तक काफ़ी शांत था पानी, अब यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया। और ये बड़ी बड़ी बोट बराबर से निकलती हैं, तो इनसे भी काफ़ी और पानी ऊपर नीचे होता है। बिना लाइफ जैकेट के बैठे तो हैं हम, पर भाई पता नहीं टपके ना टप ही जाएंगे। हम दो हैं, बोट चलाने वाले भाई साहब एक, पहले मुझे बचाएंगे पहले रोशन। देखते हैं छोटी बड़ी चाहे किसी भी तरीके की बोट हो, शाम के 6 बजे तक ही चलती है। 6 बजे के बाद में जो यहाँ पे लोकल विलेजर्स हैं गांव वाले, वो इन कैनाल्स में और लेक में मछली पकड़ते हैं, तो बोट्स चलना बंद हो जाती है। जितने भी बोट हाउस हैं वो अपना अपना जो एरिया है उनका, जहाँ पे वो खड़े होते हैं बोट्स, वहाँ पे लगा लेते हैं अपने बोट्स, वहीं पे नाइट स्टे होता है लोगों का। जो छोटी बोट्स हैं जैसे हमारी, वो एक जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैनाल है, उसी एरिया में वापस लौट रहे हैं। ये जितने भी अभी बोट्स चल रही हैं ये सब कैनाल से बाहर हो जाएंगे। छह बजे तक ले लो जितने मजे ले। बाकी हवा बहुत अच्छी चल रही है। जिस टाइम पे हम अपने हॉस्टल से निकले थे उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, काफ़ी ह्यूमिडिटी हुई थी, पसीना बहुत आ रहा था, लेकिन अभी ह्यूमिड तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। थोड़ा धूप की वजह से हल्की सी गर्मी है, वो भी धूप में अगर बैठे हैं तो, पर ये शेड है इसलिए धूप तो नहीं लगती है। और अभी जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे और गर्मी कम होती जा रही है। हाउस बोट्स मैंने पहली बार देखी थी डल लेक, श्रीनगर गया था मैं वहाँ देखी थी, पर जैसे यहाँ पे हाउस बोट्स ये पूरा राउंड एक मारती हैं, दिन के टाइम में मूव करती रहती हैं और शाम को 6 बजे के बाद में किसी एक परमानेंट डेस्टिनेशन पे जाके खड़ी हो जाती हैं। वहाँ पे हाउस बोट्स खड़ी रहती हैं जितना मैंने देखा, नॉट श्योर कि चलती हैं कि नहीं चलती, लेकिन जब मैं गया था मैंने सुबह भी देखा वहाँ पे, शाम के टाइम भी देखा। तो जो छोटे शिकारा टाइप बोट होती हैं, जो हमारी ये बोट है इससे 1/3 साइज़ होगा, जैसी मैंने आपको बीच में दिखाई भी थी, शेडेड होती हैं वो भी, वो तो मूव करती रहती हैं पूरा, लेकिन हाउस बोट्स एक जगह खड़ी रहती हैं। यहाँ पे पूरा अच्छा खासा मूवमेंट होता है हाउस बोट्स का, पूरा जहाँ जहाँ से जा सकती हैं वहाँ तक लेकर जाती हैं। और इनफैक्ट जो बड़े लेक के बीच में भी दूर तक बड़ी हाउस बोट्स ही जा पाती हैं, हमारी जैसी छोटी बोट लेक के बीच में नहीं जाती हैं, वो ज़्यादातर ये कैनाल्स में ही, कि वहाँ पे
पानी का टर्बुलेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से छोटी बोट्स थोड़ा रिस्की होती है। हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ वापस जा रहे हैं। नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं। अच्छा था एक्सपीरियंस, मज़ा आया।